दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को हिट करना ना भूले, क्योंकि यही आपको नोटिफाई कराएगा जब हम यूट्यूब पे आएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिविनेशन। आई एम निलेश एंड आई विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू एज वेल एज योर फैमिली मेम्बर्स। तो गाइज, इस नए साल में हम आ गए हैं अपने नए एपिसोड के साथ, और आप मेरे जैसे अगर बॉलीवुड लवर हैं तो आप अपनी लिस्ट बनाने में व्यस्त होंगे कि इस साल कौन कौन सी फिल्में हमें देखनी चाहिए। और ये काम आपका काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे देश में इतनी फिल्में जो रिलीज़ होती है तो कहाँ से ऐसी लिस्ट बनाएं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं आपका ये काम आसान कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि 12 महीने में कौन सी 12 फिल्में आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज का टॉपिक ही है 12 मस्ट वॉच फिल्म्स यू शुडंट मिस दिस 2018। तो बिना कोई वक्त ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं जनवरी से। जनवरी वॉज अ वेरी टफ मंथ टू डिसाइड कि हम आपको कौन सी मूवी सजेस्ट करें, बट वी हैव पिक्ड सैफ अली खान स्टार काला कांडी। काला कांडी क्यों? अरे ट्रेलर नहीं देखा? इट हैज़ सो मच इंटरेस्टिंग थिंग्स इन इट। कन्फ्यूजन, वेडिंग, ड्रग्स, पता नहीं क्या क्या, एवरीथिंग इन वन सिंगल मूवी, एंड वी फील इट वुड बी अ क्वाइट एंटरटेनर। सो दैट्स वाई फॉर जनवरी काला कांडी। फेब्रवरी की बात करें तो फेब्रवरी महीना है प्यार का, मोहब्बत का, वैलेंटाइंस डे जो आता है इस महीने। तो रैदर देन सजेस्टिंग अ लव स्टोरी, वी सजेस्ट यू हिचकी। रानी मुखर्जी वापस आई है सिल्वर स्क्रीन पे बहुत टाइम के बाद, एंड ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी का सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाती है। सो इन दिस मंथ ऑफ लव, लेट्स गेट इंस्पायर्ड। मार्च में एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसका आप और मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, संजय दत्त की बायोपिक संजू, जिसमें रणबीर कपूर संजय दत्त का किरदार निभा रहे हैं और इस मूवी को बना रहे हैं राजकुमार हिरानी। सो वी ऑल आर डैम एक्साइटेड टू सी दिस बायोपिक, राइट? फुटेज और कुछ पिक्चर्स तो आपने देखे ही होंगे कि हाउ रणबीर कपूर इज़ डूइंग हिज बेस्ट टू पोर्ट्रे संजय दत्त ऑन स्क्रीन। तो ये मार्च में आ रही है, तो देखना मत भूलिए। इन अप्रैल वी हैव मणिकर्णिका, खूब लड़ी मर्दान वो झांसी वाली रानी थी। इट इज़ अ बायोपिक ऑफ झांसी की रानी। तो कंगना रनौत इस फिल्म को कर रही हैं, शी इज़ प्लेइंग झांसी की रानी, और उनकी कहानी के बारे में इस मूवी में बात की जाएगी। मैं खुश हूँ कि हमारे फीमेल लीडर्स के बारे में भी फिल्में बन रही है। सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कंगना रनौत प्लेइंग एज रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। मई में आ रही है आलिया भट्ट और विशाल कौशल स्टारर राजी। तो ये फिल्म के बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, बट इट इज़ अ क्वाइट इंटरेस्टिंग फिल्म। सुनने में आया है कि ये स्टोरी है एक इंडियन स्पाई की जो एक पाकिस्तानी लड़के से शादी करती है टू ब्रिंग द इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन फॉर आर कंट्री। साउंड्स थ्रिलर, तो लग रहा है कि कुछ थ्रिलिंग मिलेगा, और जहाँ पे दो कमाल के एक्टर्स हैं आलिया भट्ट और विशाल कौशल, तो फिल्म तो अच्छी होने ही वाली है ऐसा लग रहा है, देखते हैं। सो गाइस, इन जून वी हैव फन्ने खान। इस फिल्म में नज़र आएंगे ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर और राजकुमार राव। ये कहानी है एक पिता की जो अपनी बेटी के फेमस सिंगर बनने के सपने को साकार करने के लिए निकलते हैं। तो बहुत टाइम के बाद अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय साथ दिखेंगे, और उसके साथ साथ राजकुमार राव जो 2017 में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दे चुके हैं। सो द एक्सपेक्टेशंस आ रहा है, और सुन के लग रहा है कि शायद ये फिल्म कमाल की होगी। सो दिस इज़ फॉर जून। जुलाई की बात करें तो जुलाई में है धड़क। धड़क इज़ अ रीमेक ऑफ मराठी फिल्म सायराट। इसमें आपको नज़र आएंगे दो स्टार किड्स, शाहिद कपूर के भाई ईशान और श्रीदेवी की बेटी जानवी। तो मैं तो नहीं जानता कि ये फिल्म सायराट के मुकाबले में कितनी अच्छी होगी। सायराट वॉज अ मास्टर पीस, इसका हम बोल नहीं सकते, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सायराट बॉलीवुड में हिंदी में कैसी लगेगी और इसमें क्या चेंजेस होंगे। नई फिल्मों की रिलीज़ की बात करें और अक्षय कुमार का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो अगस्त में वो आ रहे हैं अपनी फिल्म गोल्ड के साथ। इट इज़ नॉट अबाउट गोल्ड, इट इज़ अबाउट गोल्ड, बट ये एक स्पोर्ट्स के ऊपर है फिल्म, इट इज़ अबाउट हॉकी। तो अक्षय कुमार इसमें रोल प्ले करने वाले हैं बलबीर सिंह सीनियर का, हु वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियन हॉकी टीम, जिसने सबसे पहला ओलंपिक मेडल जीता था हॉकी के लिए आफ्टर इंडिया बिकेम अ फ्री नेशन।
तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और आजकल अक्षय कुमार कमाल की फिल्में करते हैं, कमाल की स्टोरीज होती है और कमाल की एक्टिंग होती है, तो ये फिल्म मिस करना तो बनता ही नहीं है। सितंबर में आ रहे हैं अनुष्का शर्मा और वरुण धवन अपनी फिल्म सुई धागा के साथ। ये फिल्म के बारे में हाल ही में अनाउंसमेंट हुई है, इसलिए कहानी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट इट इज़ ब्रिंगिंग अ स्मॉल स्केल सेक्टर टू द बिग स्क्रीन। तो यहाँ पे वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे कुछ इंटरेस्टिंग पिक्स डाले थे, वीडियोस डाले थे जहाँ वो सुई धागे पे कपड़े सिल रहे थे। तो अब फिल्म में क्या है ये तो अभी पता नहीं, पर इंटरेस्टिंग लग रहा है। अक्टूबर में आ रहे हैं इरफान खान और दीपिका पादुकोण। इस फिल्म का टाइटल अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, इट इज़ स्टिल अनटाइटल्ड, पर जितनी जानकारी है उससे पता चला है कि इसकी स्क्रिप्ट पे काम किया है विशाल भारद्वाज जी ने, और ये कहानी बेस्ड है हसन जैदी की बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पे। सुन के ही इंटरेस्टिंग लग रहा है क्यों। मोस्टली दिसंबर में आने वाले आमिर खान इस साल आएंगे नवंबर में विथ इस मूवी थग्स ऑफ हिंदुस्तान। तो नाम तो आपने सुना ही है, इतनी हाइप जो क्रिएट हुई है, इसमें नज़र आने वाले हैं आमिर खान, कटरीना कैफ और अमिताभ बच्चन जैसे लोग। और उनके लुक्स के बारे में तो काफ़ी चर्चा हुई थी, ऊपर से अमिताभ बच्चन के भी लुक्स के बारे में कुछ पिक्चर्स लीक हुई थी, तो पिक्चर के बारे में वैसे ही अभी से बहुत हाइप है। तो ऑब्वियसली आप सब लोग देखने जाने ही वाले हैं थग्स ऑफ हिंदुस्तान। और ये कहानी बेस्ड है ऑन अ नॉवल कॉल्ड कन्फेशन ऑफ अ थग। ये कहानी है अबाउट अ थग इन ब्रिटिश रूल। तो आमिर खान इसमें एक एंटी हीरो का किरदार निभा रहे हैं, तो देखना तो इंटरेस्टिंग होगा ही भाई, आमिर खान की फिल्म है तो हम छोड़ते तो है नहीं। ये दिसंबर वाला तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दिसंबर में आएंगे रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी की जोड़ी। ये फिल्म का नाम है सिम्बा। तो यहाँ पे कहाँ जा रहा है कि रणवीर सिंह कैरेक्टर प्ले करेंगे जिसका नाम होगा संग्राम भालेराव, और ये रोहित शेट्टी की डायरेक्शन में बन रही है, एंड इट इज़ अ ऑफिशियल रीमेक ऑफ अ तेलुगु फिल्म कॉल्ड टेम्पर जिसमें जूनियर NTR थे। रोहित शेट्टी का कहना है कि ये दोनों फिल्म का प्लॉट सिमिलर होगा लेकिन कहानी बिल्कुल अलग होगी, और रणवीर सिंह है और रोहित शेट्टी का गाड़ी वाड़ी तोड़ फोड़ उड़ाने वाला एक्शन है, तो इस साल का आखिर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो दिसंबर वी हैव सिम्बा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ये थी वो 12 फिल्में 12 महीने में जो 2018 में आपको मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अब मैं रोज़ का डायलॉग क्या बोलूँ, मुझे पता है कि आप लोग लाइक तो करोगे ही, शेयर भी करोगे ही, और कमेंट तो करने वाले ही हो, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा और करने वाले ही होंगे, तो अब मैं ये क्या बोलूँ। लेकिन आई वुड लाइक टू थैंक अ वेरी स्पेशल फ्रेंड ऑफ माइन अभिषेक सरकाले फॉर गिफ्टिंग मी दिस टी शर्ट ऑफ रिव्यू नेशन। थैंक यू सो मच बड़ी, थैंक यू फॉर ऑल द लव। और हमारे व्यूअर्स को भी थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव यू हैव गिवन अस इन 2017। और उम्मीद है 2018 में भी आपका प्यार हम पे बना रहेगा और हम भी आपको एंटरटेन करते ही रहेंगे। सो इसलिए अगली बार बहुत जल्द मिलेंगे। टिल दैट टाइम कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, और एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि फिर तो बहुत मिलना होता ही रहेगा इस साल। गुड बाय।